नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप लोग देख रहे हैं एमटेक चैनल को। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने फोटो को एक अच्छा सा बैकग्राउंड दे सकूं, जैसा कि आप लोग मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो अगर आप लोग को इस प्रकार का बैकग्राउंड अपने इमेजों में लगाना है तो फिर आप लोग बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसमें आपको बहुत सारा बैकग्राउंड मिल जाता है जो देखने में काफी लाजवाब लगता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए व्यक्ति है तो आप इस रेड वाले बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो का अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर अब आ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर दोस्तों हम लोग को सिंपली सर्च कर देना है विलेज फोटो फ्रेम। सर्च करने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत सारा एप्लीकेशन आ जाएगा। तो हम लोगों को विलेज फोटो फ्रेम्स का एक एप्लीकेशन यहाँ पर मिल जाता है, तो इसी एप्लीकेशन को हम लोग को इंस्टॉल करना है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की रेटिंग का बात करें तो इसको 4.2 का रेटिंग मिला हुआ है और इस एप्लीकेशन को 10 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। दोस्तों, इस एप्लीकेशन के इंटरफेस का बात करें तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आप लोग अपना फोटो इस तरह लगा सकते हैं। चलिए मैं आगे दिखलाता हूं, इस तरह लगा सकते हैं जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए मैं और दिखलाता हूँ, तो आप अपने फोटो को इस तरह का लुक और आकार दे सकते हैं जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए फटाफट इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों, अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। दोस्तों, ओपन करने के बाद यहाँ पर एक एड आई है, तो हम लोगों को नो थैंक्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हम लोगों से अलाउ परमिशन मांगा जाएगा, तो यहाँ से अलाउ परमिशन दे देना है। उसके बाद हम लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे ऊपर हम लोगों को तीन ऑप्शन मिल जाता है विलेज फ्रेम्स का, इसके बाद है मोर एप्स एड का और उसके बाद है एल्बम का। तो हम लोगों को विलेज फ्रेम्स पर ही जाना है। यहाँ पर जैसा बैकग्राउंड चाहिए उस वाले बैकग्राउंड को आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। चलिए मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ। इसके बाद हम लोगों को अपने गैलरी से उस फोटो को ले आना है जिस फोटो को आप सेट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपने गैलरी से कोई एक इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करेंगे और सीधा हम अपने मोबाइल के गैलरी में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से आप एक फ़ोटो ले लीजिए। चलिए मैं इस लड़की का ही इमेज ले लेता हूँ। और ऊपर हम लोगों को दोस्तों यहाँ से आप इसका साइज भी क्रॉप कर सकते हैं। ये क्रॉप करने का हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है। तो हम लोगों को सबसे ऊपर एक राइट क्लिक का ऑप्शन मिलता है, तो चलिए उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों, वो फोटो अब यहाँ पर आ चुका है, तो आप इस इमेज को अपने हिसाब से इस तरह सेट कर सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों अगर फ्रेम भी बदलना चाहते हैं तो आप वो भी बदल सकते हैं। चलिए मैं कोई दूसरा फ्रेम ले लेता हूँ। चलिए मैं ये वाला फ्रेम ले लेता हूँ। तो इस तरह आप अपने फ़ोटो को सेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो नीचे हम लोगों को टेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से हम कुछ लिख भी सकते हैं, जैसे कि मैं लव लिख देता हूँ। और इसको बोल्ड करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन मिल जाता है। और नीचे से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने लिखावट का। और इसके बाद हम लोग को राइट क्लिक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये देखिए, तो इसको आप जहाँ चाहे वहाँ सेट कर सकते हैं, हो गया। इसके बाद आप इस इमेज में स्टिकर भी लगा सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारा स्टिकर मिल जाएगा, तो आप इस तरह का स्टिकर लगाना चाहते हैं अपनी इमेज में तो आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला स्टिकर को यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, हो गया। और ये सब करने के बाद जब हम लोग को अपने फोटो को सेव करना होगा तो यहाँ पर नीचे एक सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप इस इमेज को सेव कर सकते हैं। दोस्तों, अब मेरा इमेज सेव हो चुका है। यहाँ से हम अपने इमेज को व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं, जीमेल पर भी शेयर कर सकते हैं और फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बैक आते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस एप्लीकेशन को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे और आप अपने इमेजों को
इस तरह का लुक देकर अपने दोस्त लोगों को बिल्कुल चौंका सकते हो। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।